किसी मिलियनेयर के डॉग के केयरटेकर बन जाओ या किसी बिलियनेयर के बच्चे की ट्यूटर? मुझे पूरा यकीन है कि एक बिलियनेयर मुझे ज्यादा सैलरी देगा, इसलिए। और उसकी मैथ बहुत वीक है तो उस पर खास ध्यान देना। तुम्हारी सैलरी होगी 50,000 रुपए पर डे। मजाक मत करो डियर, पर आवर। हाँ ठीक है चलेगा, एक मिनट। पर मेरा बेटा है कहाँ? तुम यही हमारा वेट करो, मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ मैं यही हूँ। मेरी बात याद रखना, तुम बाद में बहुत पछताओगी कि तुमने ये जॉब क्यों एक्सेप्ट की। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ। क्या वो इतना शैतान है? इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। हेलो, मेरा नाम रॉकी है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ मिंकी। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम 12 साल के हिसाब से काफी टॉल हो। हाँ वो तो मैं हूँ। खैर क्या हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो तुम किस रूम में पढ़ना चाहोगे? मेरे साथ आओ। हे रॉकी, क्या तुमने वो वर्कशीट कम्प्लीट कर ली जो मैंने तुम्हें सॉल्व करने को दी थी? हाँ हो गया, ये लो। वो इतनी जल्दी? वाओ। क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, बस बात यह है कि तुम्हारी मॉम ने बताया था कि तुम मैथ्स में बहुत वीक हो और तुम्हें मैथ्स ठीक से समझ नहीं आती, पर ये सारे के सारे आंसर्स तो बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारी मॉम है कहाँ? वो ट्रिप पर गई है और अब वो कुछ दिन के लिए बाहर ही रहेंगी। ओके। पर बेटर होता कि अगर वो मुझे इसके बारे में एक बार बता देती तो। आई थिंक इस बार हमें तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड लेवल पर जाना चाहिए, जो तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो, क्योंकि जो मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होगा वो तो तुम्हें एक मिनट भी नहीं लगा सॉल्व करने में। क्या तुम कुछ पियोगी? एक्चुअली हाँ, मुझे प्यास भी लग रही है। थैंक्स। ओके, मैं बस अभी लेकर आया। हेलो, मैं आ गया। सॉरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। नो आई एम सॉरी। क्या तुम्हें पता है कि वहाँ बेसमेंट से आवाज कैसी आ रही है? वो मेरा डॉग है, आई एम सो सॉरी, वो थोड़ा शोर करता है। तुम्हारा डॉग? ओके। ये लो, ये रही तुम्हारी ड्रिंक। नो थैंक्स, अब मेरा मन नहीं, और वैसे भी अब मुझे निकलना होगा, मेरी कैब बस आती होगी। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। व्हाट? हाँ, रॉकी की मॉम का मैसेज। मिंकी, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई थी कि रॉकी को डॉग से सीरियस एलर्जी है। तो मिस मिंकी, क्या हम आज का लेसन स्टार्ट करें? अभी नहीं। रॉकी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। कल जो आवाजें मैंने सुनी थी, तुमने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे डॉग की आवाज थी। हाँ तो वो मेरे डॉग की आवाज थी। बस बहुत हुआ रॉकी, तुम्हारी मॉम ने मुझे ऑलरेडी टेक्स्ट करके बता दिया है कि तुम डॉग से हाईली एलर्जिक हो। तो अगर तुम्हें डॉग से एलर्जी है तो तुम्हारे पास एक डॉग कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने उसे सड़क पर पाया था, जब मैंने देखा कि वो बिल्कुल अकेला है तो मुझसे रहने गया और मैं उसे अपने साथ ले आया, पर मैं ये बात अपनी मॉम को नहीं बता सकता, यहाँ तक कि मैं बस उस डॉग के साथ रहने के लिए स्पेशल मेडिसिन खाता हूँ। प्लीज मिंकी, वो मेरा एक लौता फ्रेंड है, प्लीज मॉम को मत बताना। देखो मैं समझ सकती हूँ, पर रॉकी ये तुम्हारे उस डॉग दोनों के लिए ही सेफ नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं और तुम वहाँ नीचे बेसमेंट में जाकर उस डॉग को बाहर निकालें और उसे डॉग केयर सेंटर ले चल के वहाँ उसके लिए एक नई फैमिली ढूंढे, और जैसे ही हमें उसके लिए एक फैमिली मिल जाए हम उसे उनके हवाले करते हैं, वो वहाँ ज्यादा अच्छे से रह पाएगा और खुश भी। नहीं, वहाँ मत जाना। मेरा मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें काट ले, क्योंकि वो सिर्फ मुझे पहचानता है। तुम बस मॉम डैड को कुछ नहीं बताओगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे डॉग केयर सेंटर में छोड़ आऊंगा। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तुम्हें इसे एक्स और वाई के साथ सॉल्व करना होगा। हो गया, x is equal to 25 and y is equal to 6। तुमने ये कैसे? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या? मैंने पूछा क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बेहतर होगा कि इस वक्त हम तुम्हारे होमवर्क पर फोकस करें। सॉरी, मैं बस बात करने की कोशिश कर रहा था। वेल हाँ है, पर हम लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है और मैं श्योर नहीं हूँ कि आगे क्या होगा। यू नो व्हाट, इस वक्त मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी, चलो तुम्हारे असाइनमेंट पर फोकस करते हैं। पर मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरे पास एक बटलर भी है, वो हमारे लिए कुछ टेस्टी सा बना कर देगा, तो क्या प्लीज हम एक लंच ब्रेक ले लें? ओके कूल, मैं बस अभी आया। ओह माय गॉड, बेचारा डॉगी, मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। हे इट्स ओके क्यूटी, डोंट वरी, मैं दरवाजा खोलती हूँ, बस प्लीज मुझे काटना मत। ये क्या था जो मैंने अभी देखा? वो कोई डॉग जैसा तो नहीं दिख रहा था, दिखने में तो वो एक्सक्यूज मी मिस, रॉकी ने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। पर उसने तो कहा था कि आप खाना बनाने वाले हैं। हाँ, पर उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं उसे ये खाना बनाने दूँ। रॉकी तुम्हारा वेट कर रहा है, गुड बाय। रुको, क्या आपने कभी देखा है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है? मैंने तो बहुत सी चीजें देखी हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम जो जॉब करने वाली हो उसके लिए तुम बहुत पछताओगी। वेट, आप कहाँ जा रहे हैं? मिस मिंकी, कहाँ चली गई तुम? तो यहाँ हो तुम, ये क्या, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? आई एम सो सॉरी रॉकी, मैं
मुझे जाना होगा, पर तुम्हारे हिस्से का खाना बन गया है। मुझे अब बिल्कुल भूख नहीं है। रुको, मेरी मॉम ने आज के सेशन के लिए तुम्हें ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो? क्या तुम उस बेसमेंट में गई थी? मुझे सच में जाना होगा। कम ऑन, प्लीज खुल जाओ। हे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें वहाँ सच में नहीं जाना चाहिए था? उस बेसमेंट में क्या है? वेल, देखो, तुम मेरी पहली ट्यूटर नहीं हो, और वो बाकी की ट्यूटर्स वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। वहाँ क्या है? मेरी दूसरी ट्यूटर्स, और अफसोस अब तुम्हें भी वहीं जाना पड़ेगा। मेरा सर। देखो, ये उठ गई। तुम उसे डरा दोगे। ओ माय गॉड, ये मैं खड़ा हूँ। हम सब एक बेसमेंट में लॉक्ड हैं। एक मिनट, क्या तुम लोग रॉकी की ट्यूटर्स हो? हाँ। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं खुलेगा। तो तुम लोग यहाँ कितने टाइम से फंसे हो? हम यहाँ करीब एक महीने से फंसे हैं। क्या सच में? ओ वाओ, तुम तो उठ गई। तो तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि तुमने मेरे सर पर बहुत जोर से मारा है, वो भी फ्राई पैन से। सॉरी, मैं ये सब जान के नहीं करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हो। रॉकी, मैं समझ सकती हूँ, पर ये सही तरीका नहीं है, तुम्हें हमें यहाँ से जाने देना होगा। रॉकी बेटा, हम आ गए। कोशिश भी मत करना, किसी के मुँह से एक आवाज भी नहीं आनी चाहिए। रॉकी, तुम सबको समझ आया? चलाकी करने की कोशिश भी मत करना। आया मॉम। बेटा, तुम कहाँ थे? नहीं मिंकी, ऐसा मत करना, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है, एक 12 साल का बच्चा ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? वेल, वो बिलियनेयर है, रॉकी जो चाहे उसके पेरेंट्स उसको वो खरीद के दे सकते हैं। पर कोई तो तरीका होगा यहाँ से बाहर निकलने का। आई विश कोई तरीका होता, क्योंकि हमने सब ट्राई करके देख लिया है। हाँ? ओ माय गॉड, उसने मेरा फोन यहीं छोड़ दिया है। क्या तुम्हें से कोई वहाँ तक पहुँच सकता है? नहीं, हम दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। ओके, तो मैं उस टेबल को लात मारने वाली हूँ। कम ऑन मिंकी, उसे अपनी तरफ खींचो। ओह माय गॉड मिंकी, तुमने कर दिखाया, अब जल्दी करो। तो तुम किसको कॉल कर रही हो? मैं अपने पैर की उंगलियों से कोशिश कर रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की। हमारा बॉयफ्रेंड? ओह माय गॉड मिंकी, नहीं, पुलिस को कॉल करो। नहीं नहीं गर्ल्स, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा फोन ट्रैक कर लेगा, और फिर वो अपनी टीम को लेकर यहाँ आ जाएगा, और हम सब बच जाएंगे। हाँ, तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई जासूस है या ऐसा कुछ? ओ माय गॉड, क्या हुआ? मेरा फोन ऑफ हो गया। ओह नो, सॉरी गर्ल्स, ऐसा करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर अब मुझे तुम में से किसी दोस्त से छुटकारा पाना होगा। क्या? नो प्लीज, हमें छोड़ दो। मुझे माफ कर देना गर्ल्स। शॉकी नो। चिल मिस पिंकी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वहीं रुक जाओ, तुम्हारा खेल अब खत्म। गन को नीचे फेंक दो। तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ कैसे आए? बेब, डोंट वरी, मुझे तुम्हारा मिस कॉल मिल गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा मासूम से दिखने वाला बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। गर्ल्स प्लीज, इसे रख लो। पर मैम, ये तो 1 करोड़ का चेक है। हाँ मुझे पता है, पर मैम क्या आप श्योर हैं? हाँ बच्चों, तुम लोगों को जो झेलना पड़ा उसके आगे कुछ भी नहीं है। सर थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था, मैं खुश हूँ कि तुम सब ठीक हो। मिंकी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो लाखों में एक है। हाँ वो तो है। तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो, मिंकी का बॉयफ्रेंड सिर्फ मैं बन सकता हूँ। ऑफिसर्स, इस लड़के को यहाँ से ले जाइए। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना। क्या, प्राइज मनी जीतने के लिए मुझे गानों के लिरिक्स को गेस करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मैं ये करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रुको मिंकी, चाहे जो हो जाए तुम उन गानों के लिरिक्स को कंप्लीट करने वाला गेम बिल्कुल नहीं खेलोगी। क्या, पर क्यों मम्मी? बात यह है कि अगर तुम उन गानों को सही से गेस कर लेती हो तब तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, पर अगर नहीं कर पाती हो तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वो गेम बिल्कुल नहीं खेलोगी, ठीक है? बिल्कुल नहीं मम्मी, मैं उस गेम को बिल्कुल भी नहीं खेलूंगी। गुड, तो अब तुम स्कूल जाओ। बाय मॉम। बॉम्बास्टिक डैश आए, ये कितना ईजी है। बॉम्बास्टिक साइड आए, ये गेम तो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, मेरी मॉम बिना कुछ भी बोलती हैं। हाय आयशा, तुमने रिया को कहीं देखा क्या? मिंकी, वो रिया जा चुकी है। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? वो अपने गाने को सही से गेस नहीं कर पाई और वो जा चुकी है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ मिंकी, आई एम सॉरी। मुझे रिलैक्स करना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हैप्पी ब्लैंक डे। क्या आपको इसका आंसर पता है? तो जल्दी से कमेंट में बताओ।